नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ सक्षम कड़ो। बात करेंगे 10-60 की। पहले टेस्ट क्रिकेट था, अनलिमिटेड 9-10 दिन चलता था। फिर 5 दिन पर उसको लाया गया, वनडेज आए, T20s आए, एक दिन खेलो बात ख़त्म, 3 घंटे खेल दो बात ख़त्म। अब लेकिन कई सारे लीग्स जो है वो अपना घर बना रहे हैं। पहले T10 लीग आई, फिर कई सारे लीग्स है, 100 आई, अब आई 1060। 1060 क्या है? 10 ओवर का ही है, 60 गेंदें होंगी। रूल्स जो है वो इसके इंटरेस्टिंग है, इस लीग को इंटरेस्टिंग इसके रूल्स ही बनाते हैं। 1060 है इसलिए कोई छक्के चौके होंगे या फिर वो तो ठीक है, वो तो चलता रहेगा, वो तो T20 में भी हम लोग देखते हैं। आजकल तो मॉडर्न डे क्रिकेट में हम देखते हैं कि वनडे क्रिकेट भी T20 की तरह खेलते हैं। कल तो यार जॉनी बेयरस्टो ने 70 गेंदों में 100 बना दिए इन टेस्ट क्रिकेट। सो हम लोग देखते वो है, वही है कि छक्के चौके, लेकिन इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसके रूल्स। इस जो लीग है 1060, रूल्स इसके जो है वो इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्या है वो रूल्स, इसके ऊपर बात करेंगे। विल इंडिया प्ले, इंडिया को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, गुड लीग और अ बैड फॉर द फ्यूचर, इसके ऊपर बात करेंगे और रूल्स के ऊपर बात करेंगे। वेन्यू आपको बताते हैं। सबसे पहले वेन्यू जो है वो ये जो लीग है वो केवल 5 दिनों की होगी, 24 से लेकर 28 अगस्त इन सेंट किट्स एंड नेविस में, जो कहते हैं कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट स्कोरिंग ग्राउंड है। इन द सेंस कि इसमें सबसे ज़्यादा रन बनते हैं, सपाट विकेट, आउटफील्ड आपकी तेज़ रहती है, तो रनों की बौछार इसमें होती है। वार्नर पार्क आपको पता होगा, कैरेबियन का, और पहली ऐसी लीग है जो वन मेंबर लीग है। वन मेंबर इन द सेंस कि अब देखो, पहले T20 होती थी, पहले T10 भी होती थी, अबूधाबी T10 भी है, बट टेस्ट प्लेइंग नेशन, अब भले ही कैसे भी खेलो, रेटिंग 1 हो या 2 हो, लेकिन वेस्ट इंडीज़ टेस्ट क्रिकेट तो खेलता ही है। तो वन मेंबर नेशन इन द सेंस कि अब देखो, पहले ट्रिनिदाद में होता था, कभी स्वीडन में होता था, कभी किधर हो गया, लेकिन टेस्ट प्लेइंग नेशन ने अभी तक के इंडिया पाकिस्तान हो गया ऑस्ट्रेलिया होगा कभी किया नहीं था T10। तो पहली बार ये होने जा रहा है तो वेस्ट इंडीज़ में कि ये पहली T10 लीग कोई टेस्ट प्लेइंग नेशन ने आयोजित की है। 24 से 28 अगस्त के बीच में खेली जाएगी, 5 दिनों का एक गेम होगा, और बता दिया कि सेंट किट्स और नेविस में ये मुकाबला होगा, जो कहते हैं कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट स्कोरिंग ग्राउंड है। अब रूल्स जो इस लीग को मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, फटाफट से उसके ऊपर बात करेंगे। 6 रूल्स हैं, 6 रूल्स में क्या है आपको बताएंगे। पहला जो रूल है वो ये है कि आपको अनुमान, हम लोग क्रिकेट में देखते हैं कि 10 विकेट गिरने के बाद आप ऑल आउट होती है टीम, लेकिन इसमें 10 विकेट नहीं है। इसने बोला कि यार 10 ओवर के लिए आपको क्यों 10 खिलाड़ी चाहिए, 6 खिलाड़ियों में आपका काम खत्म, मतलब 6 विकेट आपके गिरे तो आपकी टीम ऑल आउट घोषित की जाएगी। और उसके बाद दूसरी टीम, आपके पास भले ही 4 प्लेयर्स आपके शेष है, लेकिन वो बस गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाजी करेंगे, गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे, तो ऊपर के 6 बल्लेबाज आपके अनुमान रहते हैं, आपके विकेट कीपर प्लस, तो आपके बल्लेबाज बल्लेबाजी करेंगे, गेंदबाज गेंदबाज करेंगे, तो 6 विकेट आपकी गिरे तो आप ऑल आउट घोषित कर दिए जाओगे। ईच टीम पावर प्ले, जैसे आपको पता है कि T20 अगर हम लोग खेलते हैं तो स्टार्टिंग के 6 ओवर जो है वो आपके पावर प्ले रहते हैं, और 10 ओवर का अगर आप खेलो तो स्टार्टिंग के 2 ओवर जो है वो पावर प्ले रहते हैं। अब इसमें यह है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कि अगर आपने जो पहला पावर प्ले है 12 गेंदों में अगर आपने कभी भी 2 छक्के लगा दिए, तो आपके पास बल्लेबाजी टीम के पास एक ऑप्शन आ जाता है कि आप 3rd से लेकर 9th ओवर तक के अपने मर्जी से कभी भी और एक पावर प्ले ले सकते हो। दे कैन अनलॉक अ 3rd पावर प्ले बाय हिटिंग 2 sixes इन फर्स्ट 12 ओवर्स। द एक्स्ट्रा पावर प्ले विल बी टेकन एट द टाइम बिटवीन 3rd to 9th ओवर। यानी आप पहले 12 गेंदों में अगर 2 छक्के लगा दिए तो आप पावर प्ले 3rd ले सकते हो बिटवीन 3rd to 9th ओवर। अब 30 गेंदे जैसे हम लोग इसमें देखते हैं, 100 में देखते हैं कि गेंदबाज 5 गेंदे डाल दे, 10 गेंदे डाल दे, वो मैटर नहीं रखता। मैटर ये रखता है कि सिर्फ 100 गेंदे पूरी होनी चाहिए। इसमें ये नहीं है, इन नॉर्मल क्रिकेटिंग सेंस जैसे हम लोग खेलते हैं कि 6 गेंदों का 1 ओवर होता है, तो इसमें भी वही है। बात ये है कि अनुमान हम लोग देखते हैं कि ये छोर से 1 ओवर होता है, दूसरी छोर से 2रा ओवर होता है, तीसरी से फिर दूसरे से पहले से तीसरा, फिर दूसरे से चौथा। इसमें ये नहीं होगा, दोनों छोर यूज़ किए जाएंगे, लेकिन एट अ टाइम
पहले पांच ओवर ये एंड से तो दूसरे पांच ओवर वो एंड से, और ये कहीं ना कहीं ठीक भी है अगर टाइमिंग आपको बचाना है। अनुभव हम लोग देखते हैं कि आईपीएल देखो यार 7:30 बजे शुरू होता है, 12:30 तक के चलता है, 12-12:30 तक के चलता है, 3 घंटे की मैच होनी चाहिए T20, आप 4.5-5 घंटे खेलते हो, पता नहीं क्यों खेलते हो, लेकिन वो उसको फिर मज़ा भी उसका किरकिरा हो जाता है 12:30 तक के, फिर आपके व्यूवरशिप भी, तो कहीं ना कहीं ये टाइमिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो टाइमिंग के लिहाज से ही एक ये चीज़ है कि 45 मिनट आपको दिए जाएंगे 10 ओवर डालने के लिए, अगर आपका 10th ओवर जो है वो 45वें मिनट में शुरू नहीं हुआ तो आपका 11th खिलाड़ी है जो वो सीधा बाहर, मतलब फील्डिंग नहीं करेगा, वो फिर कोई भी खिलाड़ी रह सकता है। 10 फील्डर्स के साथ आप फील्डिंग करोगे। अब क्या होता है T20s में कि अगर जैसे 1.5 घंटा आपको मिलता है फर्स्ट इनिंग के लिए, 20वां ओवर अगर आपका 1.5 घंटे के मिनट में, मतलब 90वें मिनट में अगर आपका 20वां ओवर शुरू नहीं हुआ तो आपका एक फील्डर जो है वो एक्स्ट्रा आपके सर्कल में आ जाता है, तो फिर बाहर की जो फील्ड है वो खुल जाती है। इसमें ये नहीं है ना अंदर आपका खिलाड़ी आएगा, ना कोई सर्कल में रहेगा, ना कोई किधर, सीधा बोले कि आप भैया बाहर 10 फील्डर के साथ आप फील्डिंग करोगे अगर 45वें मिनट में आपका आखिरी ओवर शुरू नहीं हुआ, जो कि काफ़ी अच्छा रूल है और ये होना भी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये सबसे इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इसी वजह से क्योंकि इसमें न गेंदबाज का कुछ दखल अंदाजी है, न बल्लेबाज की है, न अंपायरिंग का रॉन्ग डिसीजन, कुछ नहीं। इसमें यह है कि बाहर जो लोग क्रिकेट देख रहे हैं, हम लोग जो फैंस क्रिकेट देख रहे हैं, एक पोल चलेगा, मान लो अगर पोल में ये इसको मिस्ट्री फ्री हिट है, अगर मान लो तो हमने अगर पोल में वोट दिया कि 7.4 ओवर, मतलब 7.4 जो चौथी गेंद जो रहेगी, 8वें ओवर की चौथी गेंद जो रहेगी, हमने बोला मेजॉरिटी अगर वोट आई कि वो हमको फ्री हिट चाहिए, ना बॉलर का ओवरस्टेप है, ना बॉलर ने हिप के ऊपर ये डाली है, बॉल डाली है, वो सीधा सीधा फ्री हिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी वोट जो है वो गेंद पर मिला है कि इस गेंद में फ्री हिट, तो फिर वो भोंबा जो है वो बजेगा, बपर जो है वो बजेगा और फिर मिस्ट्री फ्री हिट आपको मिलेगी। वेरी इंटरेस्टिंग ये रूल है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर गेंदबाज तो वही बोलेगा यार ना मैं तो कुछ गलत बॉल डाल रहा हूँ, ना मैंने ओवरस्टेप किया, ना मैंने हिप के ऊपर बॉल डाला, अनुमान जो रूल के हिसाब से डाल रहा हूँ, लेकिन ये क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये लीग और ये जो रूल्स है वो हुए हैं। अब बात करेंगे इट इज़ गुड और बैड। क्रिकेट के लिहाज से देखो तो इट्स नॉट दैट मच गुड जितना ये लोग सोच रहे हैं। इन लोगों का विजन ये है कि आगे जाकर ये काफ़ी अच्छा करेगा, बट अगर क्रिकेट की हम लोग बात करें तो इसमें क्रिकेट नहीं है, इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट है, इसमें सिर्फ पैसा है। क्योंकि अनुमान आप T20 खेलते ही हो यार, IPL आप 2.5 महीने खेलोगे इस अगले साल से, फिर आप कैरेबियन प्रीमियर लीग भी कराते हो, आप PSL भी कराते हो, आप BBL भी कराते हो, हर बांग्लादेश का एक अलग रहता है, फिर इंडिया में TNPL भी होता है, पाकिस्तान सुपर लीग भी होती है वहाँ पे, फिर आप ये भी करते हो, BBL करते हो, तो फिर ऐसे अगर लीग्स ही खेलते रहोगे तो आप टेस्ट क्रिकेट कब खेलोगे, वनडेज कब खेलोगे, T20 साइज कब खेलोगे, ICC टूर्नामेंट कब खेलोगे? जो ओरिजिनल क्रिकेट है वो इसमें नज़रअंदाज हो रही है, और दैट्स द रीज़न बिहाइंड द वेस्ट इंडीज़ का जो अभी है कि सिर्फ वो लोग लीग्स खेलते हैं, उनका टेस्ट क्रिकेट पूरा बर्बाद हो चुका है, ना आप वनडे में अच्छा कर पा रहे हो, सिर्फ T20 में आप ठीक ठाक करते हो, वो भी पिछले 2-3 सालों से, अब वो भी आपका डामाडोल है। तो अगर आप सिर्फ हीटिंग के चक्कर में जाओगे, छक्के चौके, तो फिर आपकी क्रिकेट का जो स्तर है ना वो नीचे जा रहा है इन दिस टूर्नामेंट्स, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। विल इंडिया प्ले? इंडिया को खेलना नहीं चाहिए और ना ही खेलेंगे, मेरे हिसाब से तो नहीं खेलेंगे और खेलना भी नहीं चाहिए। अगर खिलाना ही है इंडिया को तो जैसे जो खेल सकते हैं और जो रिटायर्ड है, जो यूवी पा हो गए, बज्जू पा हो गए, अगर सुरेश रैना है आपके, इरफान पठान है, यूसुफ पठान है, पार्थिव पटेल है, आप खेल सकते तो उनको खिला दो, लेकिन जो BCCI कॉन्ट्रैक्टेड है आई डोंट थिंक उनको खेलना चाहिए और वो खेलेंगे भी नहीं, जितना मेरा समझ है वो तो खेलेंगे भी नहीं। सो दैट्स द थिंग, अगर क्रिकेट को बचानी है तो यार ये सब ना लीग भले ही इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी अच्छे है, पैसा इसमें बहुत है, लेकिन नहीं, क्रिकेट अगर इसमें नज़रअंदाज हो रही है तो फिर दैट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट थिंग फॉर मी। आई डोंट नो अबाउट यूर सेल्फ, लेकिन दैट इज़ वॉट इट इज़।
सो यही बात है, 1060 की हमने बात की, इसमें रूल बता दिया आपको कि कब होगा ये भी बता दिया। 5 दिनों का ये खेल है, बड़े बड़े कह रहे हैं कि सारे जो कंट्रीज है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इसके खिलाड़ी आएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक कि जो सक्सेस ये लोग सोच रहे हैं इसको मिलेगी, आई डोंट थिंक इसको मिलेगी, क्योंकि सिर्फ आप चौके छक्के लगाने के लिए तो 5 दिनों के लिए आप नहीं आओगे, आपकी कंट्री फर्स्ट आती है। और अगस्त सितंबर देखो तो ये क्रिकेट फुल ऑन रहता है कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि आईपीएल ख़त्म होता है, ख़त्म हुआ रहता है, फिर आप नेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ते हो, आपका फिर ये भी है वर्ल्ड कप भी आपको अक्टूबर में, तो अक्टूबर में आपकी टीम बनानी पड़ती है आपको हर एक नेशन को कि वर्ल्ड कप के लिए आपको टीम बनानी है, तो फिर नेशन फर्स्ट, तो फिर वही है, आईपीएल तो है नहीं ये T60 की इसको सारे लोग खेलने आ जाए, दैट्स द थिंग। बात करेंगे शाम को जब मिलेंगे 7:30 या 7 बजे का वीडियो में, 1983 आज ही का वो दिन था, अगर आज का दिन नहीं होता तो कई सारे जो आपके दिग्गज खिलाड़ी है वो क्रिकेटर्स आपको देखने नहीं मिलते, दैट इज़ व्हाट आई फील। और जो खिलाड़ी भी बताते हैं कि 1983 की वजह से ही हमने क्रिकेट देखना शुरू किया, खेलना शुरू किया, सो दैट्स द थिंग। तब बात करेंगे, क्योंकि रात को वी नो की हिस्टोरिक वीक चल रहा है हमारा, लेकिन क्योंकि कल मुकाबला है इंडिया वर्सेज आयरलैंड T20 प्रीव्यू उसका करेंगे, और शाम को जब मिलेंगे तब करेंगे बात 1983 वर्ल्ड कप की। तब तक स्पोर्ट्स विद ब्रोस को आपको सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी तो ज़रूर बजानी है, लेकिन शेयर के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करना है। जय हिंद।